तो आज का मैंने पहला वाला राइड एक्सेप्ट कर लिया रैपिडो से। ज़्यादा बड़ा राइड नहीं है, सिर्फ 4-5 किलोमीटर का राइड है। ओके, और कस्टमर ने कहा कि भाई यहीं पे वेट कर रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक के पास, देखते हैं कहाँ है कि या फिर चला गया छोड़ छाड़ के मुझे। अच्छा आगे खड़ा, आ जाओ आ जाओ भाई, हेलमेट छोड़िए ना अंदर से, पकड़ के बैठना पड़ेगा वरना फिर दिक्कत हो जाएगा, पीछे रखना पड़ता ना। चार पाँच किलोमीटर का राइड था। ओके, तो अच्छा सा पैसा मुझे दिख रहा था, मैं तुरंत इसलिए एक्सेप्ट भी कर लिया। छोटा सा राइड था तो मैं सोचा पैसा तो अच्छा सा ही मिल रहा है तो क्यों ना एक्सेप्ट कर लिया जाए। और यहाँ से आने से पहले ही जस्ट एक और राइड मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बारा नगर की तरफ जाना, ये भी मैंने रैपिडो से ही एक्सेप्ट करके रखा हूँ। ओके, कस्टमर भी रोड पर ही खड़ा है। इससे मुझे मिला कितना यार, देख नहीं पाएंगे, रुक जाओ देख के बताता हूँ। 58 रुपीज़ मुझे मिला इस पर, 16 रुपया सर्च मिला 4 किलोमीटर के लिए, तो इसीलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया भाई। 4 किलोमीटर के लिए 58 रुपीज़ यार ख़राब नहीं है। चलो इनको जाकर पिक करते हैं सेकेंड वाला ऑर्डर। कहाँ, यहाँ पे तो कोई नहीं है, लोकेशन तो यही है, आई थिंक इस अपार्टमेंट से होगा कहीं पे। अंकुश भाई ठीक है, कॉल करते हैं। कस्टमर को कॉल किया अभी, बोला KTM के शोरूम के पास, हम बोले भैया वहीं पे खड़े हैं, तो बोले वहीं पे खड़े रहिए, हम बोले कि इसका क्या मतलब भाई वहीं पे खड़े रहिए, अरे यहाँ पे खड़ा होने के लिए आया हूँ मैं क्या। कभी कभार कुछ ऐसा वर्ड भी आदमी से निकल जाता है ना, थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाता है आदमी, बोलना क्या चाहता है उसका मतलब, एक्चुअली होता है कुछ और लेकिन निकल कुछ और जाता है यार बातों बातों में यार। बोले यहीं पे खड़े रहिए, हम बोले पागल है यार, मने मन में गाली दे रहा, गाली तो नहीं बोल रहा था भाई, पागल इतना धूप में यहीं पे चुप चुप खड़े रहेंगे, यही काम है मेरा, यहीं पे आके खड़े हो जाना, जाना है कि नहीं जाना वो बोलिए। बोले हाँ भैया जाना है, एक मिनट रुकिए आ रहा है। हाँ KTM और इधर यामाहा भाई, आप दोनों कंपनी में से आपका फेवरेट बाइक कौन सा, मतलब कौन सा कंपनी का बाइक आपको सबसे अच्छा लगता है, KTM का या फिर यामाहा का, बताना भाई, R15 या फिर KTM RC, कमेंट में बताना भाई आपका फेवरेट बाइक कौन है। ऐसा कोई हेट नहीं है, बस ऐसे पूछ रहा हूँ कि आपका कौन सा अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है बता सकते, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास यामाहा R15 है तो आप R15 बोलेंगे। अगर आपको KTM अच्छी लगती है तो आप बता सकते भाई, KTM का ड्यूक 390 मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऑनेस्टली, अगर बताऊँ तो RC से ज़्यादा अच्छा लगता है वो मुझे, तो आप लोग भी बता सकते अगर KTM में से कुछ पसंद है तो। थोड़ा सा आगे कर ले, रुकिए भैया। तो आज का 3 नंबर राइड मैंने एक्सेप्ट कर लिया हूँ रैपिडो से ही, और रैपिडो से ही भाई क्या बताऊँ, बैक टू बैक राइड मिल रहा है, कोई दूसरा एप्लीकेशन ऑन करने का मौका ही नहीं मिल रहा। और मैंने ना सब्सक्रिप्शन प्लान लेके रखा है तो भाई 9 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से दे रहा है, तो मैं एक्सेप्ट किया जा रहा हूँ। और रैपिडो में और एक चीज़ बताऊँ भाई, छोटे छोटे अगर ऑर्डर करते हो ना 4-5 किलोमीटर के, उसमें ना पैसा आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 10 या 12 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से आपको मिलता है वहाँ पे, 10 से 12 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। 4-5 किलोमीटर का अगर राइड करोगे ना, अभी जैसे मैंने 2 ऑर्डर कंप्लीट किया तो दोनों में मुझे ना 58 रुपया अड़के मिला 4-4 किलोमीटर के लिए, यार देख रहे हो ना काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाता है। इवन तो 12 रुपये से भी ज़्यादा मिला मुझे, 13 रुपया या फिर 14 रुपया कह लो कि पर किलोमीटर के हिसाब से मिला। और कस्टमर का लोकेशन यहीं पर है, कॉल करना पड़ेगा भाई, कस्टमर का कॉल नहीं लग रहा है, लगता नहीं जाएगा ये, ना ही कस्टमर मुझे कॉल कर रहा है, कैंसिल करना पड़ेगा भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास ये रुकने का, क्योंकि मार्केट में ना ऑर्डर का फ्लो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा ऑर्डर है। बस यही रीज़न के कारण कुछ टाइम से मैं रात भर काम कर रहा था, कितना ज़्यादा जाम लगा, तो इस गर्मी में इतना ट्रैफिक में फंसना ना यार बहुत ही ख़राब लगता है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है यार, देख रहे हो यार कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है। तो रैपिडो से राइड एक्सेप्ट किया, लगभग 10-11 किलोमीटर का बेलेघाटा की तरफ कहीं पे जाना, और आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहीं से मुझे ये राइड मिला है। 5-9-10 टाइम अगर बताऊं दोस्तों, अभी एग्जैक्ट 4 बज रहे, मैं चिकनीघाटा के आसपास आ चुका हूँ। तो चलिए अब मैं आप लोगों को गिव अवे के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, कि क्या गिव अवे, कितना 1,500 रुपये की आखिर मैं क्यों दे रहा हूँ। तो उसका जो कंडीशन है ना,
स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी तक रैपिडो उबेर में ज्वाइनिंग नहीं किया। अगर आप लोग रैपिडो में ज्वाइन करते हो तो मैं आपको 500 रुपया दूंगा, और यदि आप लोग उबेर में ज्वाइन करते हो तो आपको 1000 रुपया मैं दूंगा। कंडीशन ये है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक के थ्रू आपको ज्वाइन करना होगा, मेरा रेफरल कोड यूज करना होगा। यदि आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो ही मैं आपको वो 500 रुपीज दे पाऊंगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको 100 ऑर्डर कंप्लीट करना होगा। 100 ऑर्डर जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो आपको ज्वाइनिंग बोनस भी मिल जाएगा जो कि 500 से लेके 1000 रुपीज तक है, और साथ में मैं भी आपको अपने तरफ से मेरा जो रेफरल इनकम आएगा वहां से भी मैं आपको 500 रुपया रैपिडो से और उबेर से 1000 रुपया दे दूंगा, ठीक है। तो 100 ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद, और मुझे नहीं लगता कि 100 ऑर्डर कंप्लीट करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 20 दिन से ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि भाई फेस्टिवल का सीजन चल रहा है और इस टाइम भाई बहुत बुकिंग होता है। यदि आप पहले आप रैपिडो में ज्वाइनिंग करते हैं तो 100 ऑर्डर कंप्लीट करने में मैक्सिमम आपको 10 दिन लगेंगे। उसके बाद उबेर में ज्वाइन कर लेना, उबेर में 100 ऑर्डर कंप्लीट करने में भी 10 दिन और लग जाएंगे। उबेर में भी बहुत अच्छा ऑर्डर होता है, तो 20 दिन के अंदर आपका दोनों टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1500 रुपया आप मुझसे ले लेना, और कंपनी से भी आपको ज्वाइनिंग बोनस 1.5 से 2000 रुपये या फिर 3000 तक भी मिल सकता है, ओके। तो ये आपके लिए भी फायदा है कि भाई 20-25 दिन में आप 3 से 4000 इवन 5000 तक भी एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो कंडीशन यही है कि भाई डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, जो रेफरल कोड दिया गया, उसी से आपको ज्वाइनिंग करना है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहते हो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लेना कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और पहला दिन कैसे काम करना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया, ओके। तो वो भी वीडियो देख लो तो आपको पता चल जाएगा भाई कैसे काम करना है, ऑर्डर कैसे एक्सेप्ट करना है, ओके। तो ये बस कंडीशन है, ये अगर फुलफिल आप करते हैं तो 1500 रुपया मेरे तरफ से आपको गिव अवे। तो मैंने अभी उबेर से एक राइड एक्सेप्ट कर लिया, इनको विश्व बांग्ला गेट के तरफ जाना है। तो चलो, अच्छा 1.4 किलोमीटर का पिकअप है। तो यदि आप लोग बाइक टैक्सी फील्ड में काम करते हो ना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ज़्यादा बड़े लॉन्ग पिकअप के ऑर्डर एक्सेप्ट मत करना। कभी कभार 4-5 किलोमीटर इवन तो 5-7 किलोमीटर के भी लॉन्ग पिकअप देंगे, तो ऐसे ऑर्डर गलती से ही पिकअप मत करना। पिकअप करने से पहले हमेशा 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 पिकअप लोकेशन देख लेना कि भाई कितना लॉन्ग पिकअप दे रहा है, ओके, उस हिसाब से भाई पिक करना। वरना क्या होता है कि जैसे आप पिक करेंगे, कस्टमर को पता चलेगा अरे यार बंदे का तो यार 10-15 मिनट लग जाएगा आने में, यार बहुत दूर है, वो कैंसिल कर देगा। फिर उससे आपका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आईडी पे, फिर आपको कंपनी ऑर्डर कम देती है, स्पेशली भाई रैपिडो में, ओके। रैपिडो में तो यार ऑर्डर आपका आपका बार बार कैंसिल अगर हुआ ना, आपका परफॉर्मेंस गिर जाएगा, और परफॉर्मेंस गिर गया तो फिर ऑर्डर भी आपको कम मिलेगा। ভয় লাগছে দেখে না না বাইকে চড়াবো না না বুড়ো বাবা মা আছে চলো यार। उबेर से पहला वाला राइड भी आज का कंप्लीट हो गया, और ये अंकल भाई इतना डर रहे थे भाई, क्या ही बताऊँ, बोले कि भाई घर में माँ बाप है, बीवी बच्चे हैं भाई, घर से ही सलामत पहुँचा देना भाई, क्या बाइक लेके आ गए हो भाई। सच में यार खतरनाक इनका रिएक्शन था भाई। तो इस पर मुझे मिला 66, लगभग 7 किलोमीटर का ये राइड था, ओके। देखते हैं विश्व बांग्ला गेट के पास ही यहीं पर रुकेंगे कुछ मिनट, कोई बड़ा सा अच्छा सा राइड एक्सेप्ट करके यहाँ से निकलेंगे। तो उबेर से मैंने एक बड़ा सा राइड एक्सेप्ट कर लिया, लगभग 10-15 किलोमीटर का राइड होगा, ओके। इनको पार्क सर्कस की तरफ कहीं पे जाना है, एंड पिकअप लोकेशन ज़्यादा नहीं है, 1.3 किलोमीटर का पिकअप है सिर्फ, बगल से मिल गया, चलो अच्छा। तो दोस्तों, रात के 9:13 हो रहा है, और मैंने अपने घर के तरफ का एक राइड एक्सेप्ट कर लिया, निमता जाना है इनको, बिलगढ़ एक्सप्रेस वे के आसपास कहीं पे होगा, 10-12 किलोमीटर का ऑर्डर है। कस्टमर यहाँ पे विधाननगर स्टेशन के यहाँ पे है। तो चलो यार, मैं ढूंढ ही रहा था घर के तरफ का कोई राइड, और मिल ही गया मुझे फाइनली। 513
तो रात के एग्जैक्ट 10:01 हो रहा है। ओके, अभी इन कस्टमर को यहाँ से यहाँ उतार दिया, बिधाननगर स्टेशन से लेके आया था, और अभी मैं घर के आसपास आ चुका हूँ, बेलघरिया की तरफ हूँ, नीमता की तरफ। यहाँ से 5-6 किलोमीटर है मेरा घर। वैसे देखते ऑन रहेंगे दो चार मिनट क्या, घर जाते आते तो ऑन करते हुए जाएंगे, अगर कोई छोटा मोटा अगर राइड मिली या घर की तरफ का और 2-5 किलोमीटर का तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वरना सीधा डायरेक्ट घर। और क्योंकि आज का जो मेरा कोटा था ना वो भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो दोस्तों उसके बाद मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिलता है, उसके बाद फिर मैं सीधा घर आ जाता हूँ। तो दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करता हूँ, 10 बजे तक भी पूरा 10 घंटे काम नहीं करता हूँ। बीच बीच में कई बार मैं ऑफलाइन हुआ था क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे काम करने में, तो कई बार ऑफलाइन रहा, लगभग 1-1.5 घंटे टोटल मैंने ऑफलाइन रहा। ओके, तो 8 से 9 घंटा काम किया, लगभग अर्निंग जो मेरा कोटा रहता है 1000 को होगी, आराम से मेरा कंप्लीट हो जाए। वो फिर से रैपिडो से सबसे ज्यादा मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया, लगभग वहां से अर्निंग किया मैंने 720 रुपया, और उबेर से अर्निंग किया मैंने 310 रुपये, और ओला एंड इन रैप ओपन करने का मौका नहीं मिला क्योंकि उबेर एंड रैपिडो से इतना ज्यादा बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहे थे कि भाई दूसरा एप्लीकेशन ओपन करने का, मतलब तीसरा एप्लीकेशन ओपन करने का मौका ही नहीं मिला। तो फेस्टिवल का टाइम चल रहा है दोस्तों, अभी ना ऑर्डर बहुत जम के होने वाली है और कंपनी भी बहुत ज्यादा पैसा देने वाली, अगर इस टाइम में अगर आप लोग ज्वाइनिंग करते हो ना तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक 90% सर्च दे रहा है रैपिडो। ओके, उबेर भी पर ऑर्डर पे इंसेंटिव दे रहा है, रैपिडो भी इंसेंटिव देती है, और दो रात के 10 बजे के बाद से भी उबेर एंड रैपिडो भी पर ऑर्डर पे एक्स्ट्रा देते हैं, सर्च भी 50% प्लस हो जाती है। मतलब 10 किलोमीटर के ऑर्डर पे जहाँ पे आपको 90 रुपया मिलता है, वहाँ पे फिर उसी ऑर्डर पे आपको 140 से लेकर 150 रुपये तक से मिलने वाला है, तो पैसा बहुत ज्यादा मिलने वाला, और यही मौका है फेस्टिवल के सीजन में काम करने का, पैसा कमाने का। तो यदि आप लोग अभी तक उबेर एंड रैपिडो में ज्वाइन नहीं किए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के थ्रू अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो मेरे तरफ से 1500 का गिव अवे। ओके, कंडीशन आप लोगों को पता चल गया होगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना रहा, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।